हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वी आर अटैक्ड बाय द सेकंड वेव ऑफ कोरोना इन इंडिया, जिसके कारण हम लोग आपस में लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं और आपसी सहमति से हम लोगों ने डिसाइड किया था। तो जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12th का। जी हाँ, सही सुना आपने। तो हम लोगों का स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से होगा कि यूट्यूब पे अपन लोग लेक्चर्स करेंगे और जो डाउट सेशन होगा तो जूम पे करेंगे। तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर करके आप अपना डाउट्स के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जूम पे आईडी वगैरह मैं शेयर आपको कर दूंगा। तो चलिए, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल कंसेप्ट अकेडमी पे। मैं आपका आयान सर, आपका बायोलॉजी फैकल्टी। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। चलिए, जो हम लोगों का टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि है चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th का। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो आता है हेल्थ का। क्या है हेल्थ? WHO, यूनाइटेड नेशन की हेल्थ डिपार्टमेंट का ये एक डिपार्टमेंट है, WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हिसाब से डेफिनेशन क्या होना चाहिए हेल्थ का, यानी हेल्थ के लिए क्या क्या टर्म्स आने चाहिए। जैसे कि आप कैसे कहेंगे कि समाज में कोई आदमी फिट है, कोई आदमी हेल्दी है? क्योंकि कहा जाता है ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो कैसे कह सकते हैं? सबसे पहली बात कि वो इंसान जो है वो क्या होना चाहिए, इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, बिहेवियरली और फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए। ये डेफिनेशन है किसके हिसाब से? WHO के हिसाब से। क्लियर है ये चीज? तो हेल्थ को हम लोग समझ चुके हैं कि हेल्थ को ये सब कुछ वर्ड्स है। आपका नोट्स यहाँ पर आता रहेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल दिया है नोट्स को, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो हेल्थ हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ना है। तो आपको जो ये हमारा हेल्थ का सेक्शन था, तो हेल्थ का सेक्शन तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये आप समझ चुके हैं कि कोई इंसान जब तक फिजिकली, सोशली, इमोशनली, इकोनॉमिकली फिट नहीं होता है तब तक वह हेल्दी नहीं कहलाता है। अब आप कहेंगे कि सर, इकोनॉमिकली वर्ड का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्या पैसा इतना ज़्यादा ज़रूरी है? पैसा बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैसा होना ज़रूरी है। इसीलिए क्योंकि जब आप खाना खाएंगे तो आपको न्यूट्रिशियस फूड की ज़रूरत होगी, फ्रूट्स की ज़रूरत होगी। आप पढ़ते हैं तो अर्न भी करेंगे, इसीलिए इकोनॉमिकली, सोशली, इमोशनली, फिजिकली पर्सन इज अ हेल्दी पर्सन। चलिए, अब आगे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या स्ट्रैटेजी है, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपको जानते हुए बेहद खुशी होगी कि इंडिया जो है ये हमारी फर्स्ट कंट्री है जिसने 1951 में फैमिली प्लानिंग को स्टार्ट किया था। तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है हम लोगों के लिए कि वर्ल्ड लेवल पे सबसे पहला कंट्री जो फैमिली प्लानिंग के बारे में समझाने की कोशिश किया था वो हमारा कंट्री इंडिया था, जिसके तहत ये स्लोगन दिया गया था कि हम दो और हमारे दो, यानी कि जो भी कपल होते हैं उनको एटलीस्ट या मैक्सिमम तौर पर दो बच्चे होने चाहिए, ताकि उनका वो प्रॉपर केयर कर सके, उनका लालन पालन सही से कर सके। क्योंकि बेहतर है ना कि जितने कम बच्चे होंगे आप उतने बच्चों का ज़्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख पाएंगे, तो ये भी तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, कि जैसे आपका सबसे पहला चीज़ जो हेल्थ का डिफाइन जब मैं बता रहा था, तो मैं बताया कि WHO था। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद दूसरा आने वाला है RCH, यानी रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर एंड प्रोग्राम्स। तो इस तरीके का बहुत सारा एब्रिविएशंस और वर्ड्स आएगा जिसका फुल फॉर्म याद करना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप लोग क्या करेंगे, NCERT में दिया गया जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स हैं आप उसको एक जगह लिख लेंगे, ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस होगा। चलिए, बहरहाल बात कर लेते हैं हम लोग कि इंडिया ने 1951 में फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया था। उसके बाद आगे अगर बात करें तो RCH, यानी कि जो अभी नया नाम जुड़ा है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर को मेनटेन करता है, वो है RCH। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमारा प्रॉब्लम्स है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज है। जैसे कि होता क्या है कि जब बच्चे टीन एज में होते हैं, जिस एज में कुछ कुछ होता है, तो कुछ कुछ जिस एज में होता है उसमें इंसान को बहुत कुछ करना चाहिए, तब जाके ये जो टीन एज है ये हमारा टर्न में बदल जाता है। जी हाँ, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, पेरेंट्स को क्या करना है?
तो गार्जियंस को क्या करना चाहिए, टीचर्स को क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। तो ये रहा हमारे सामने, आप देख रहे हैं, ये रहा प्रॉब्लम्स। यानी कि सबसे पहला अगर आप देखना चाहें तो लैक ऑफ अवेयरनेस। क्या है लैक ऑफ अवेयरनेस? कि बहुत जब टीन एज में बच्चा होता है या फिर हमारा जो सोसाइटी है, खास करके जो इंडियन सोसाइटी है, उसकी जो सोच है वो काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है। माँ बाप जो है हिचकते हैं अपने बच्चों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड ज्ञान देने में, सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड ज्ञान देने में, या फिर सेक्स ऑर्गन का किस तरीके से यूज़ होता है, किस तरीके से मिसयूज़ होता है, जिसके कारण सेक्स अब्यूज़ और सेक्स रिलेटेड क्राइम्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए बच्चों को जब अब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि प्यूबर्टी जो है वो बहुत अर्ली आ जा रही है बच्चों में, तो उसको समझते हुए गार्जियंस को या फिर स्कूल्स को इस तरीके का कुछ प्रोग्राम्स रखना चाहिए ताकि वो लोग बच्चे को गुड टच और बैड टच के बारे में बता सके, ताकि इस तरीके का जो सेक्सुअल क्राइम्स आज के डेट में होता है उसको अवॉइड किया जा सके। क्योंकि बेहतर है ना कि जब बच्चों को बाहर से ये चीज़ें पता चलेंगी और वो गलत तरीके से पता चलेंगी, तो बेहतर है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ज्ञान, सेक्स ऑर्गन का ज्ञान उनको घर में ही दिया जाए और पेरेंट्स के द्वारा दिया जाए, टीचर्स के द्वारा दिया जाए, ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से वो उसको अच्छी तरीके से ले सके, चाहे वो गलत तरीका उनको अपनाना ना पड़े, क्योंकि ऑनलाइन कभी ना कभी तो उन्हें पता चलेगा। तो बेहतर है कि आप उन्हें ज़्यादा सही तरीके से बताएं। देखिए ये जो चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वेदर आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है या नहीं है, आपको एक बार ज़रूर इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आपको आया तो आप अभी उस एज में है या तो आप कभी गार्जियन बनेंगे। तो प्रॉब्लम्स क्या है? सबसे पहला लैक ऑफ अवेयरनेस। तो लैक ऑफ अवेयरनेस ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम की बात करें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा बहुत बड़ा फैक्टर क्यों है? क्योंकि जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से क्या होगा भाई, कि आप चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ घटने लगेगा। फूड का क्वांटिटी, फूड का क्वालिटी, क्लोथ्स, हर चीज़, हर मिनरल, हर रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है, तो हम लोगों को उन सारे रिसोर्सेज में ही काम करना है और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि एक साइंटिस्ट थे इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन से रिलेटेड में, जैसे इवोल्यूशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे जब कोई पॉपुलेशन, कोई स्पेशीज़ का कोई पॉपुलेशन जब बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो फिर क्या होता है, नेचर में एक्सटर्नल चीज़ें में एक्सटर्नल चेंजेस आती हैं। और माल्थस साहब का कहना आप लोग समझ गए, तो माल्थस साहब की ये थ्योरी है, तो इस थ्योरी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब तक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा और एक बहुत बड़ा पैंडेमिक जैसे कि अभी अटैक हो ही रहा है, आकर के अटैक करेगा, तो उससे पहले बेहतर है ना कि हम लोग ही सुधर जाए। तो ये हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा मिथ्स और मिसकंसेप्शन क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होता है, जैसे जब सपोज किए ना कि आपको कोई डॉक्टर है जो गायनाकोलॉजिस्ट है, या फिर होम्योपैथी में भी इस तरीके के डॉक्टर्स होते हैं जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स का इलाज करते हैं, तो हम लोग जब उनसे जाते हैं उनके पास इलाज के लिए, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं या फिर हम लोग डरने लगते हैं। हालांकि डरना नहीं चाहिए, यही तो मिथ है और इसी का लोग फ़ायदा उठाने लगते हैं। इसीलिए बेहतर है कि जो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए स्कूल्स को, गार्जियंस को, हालांकि काफ़ी गवर्नमेंट है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGO वगैरह इस पर काम करती है ऑडियो विजुअल्स के द्वारा और प्रिंट मीडिया के द्वारा, ताकि वो बच्चों को बता सके, लोगों को बता सके कि सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसके बाद इससे रिलेटेड अगला प्रॉब्लम जो है, जो ज्ञान की कमी में होता है, वो है इलीगल अबॉर्शंस। जैसे इलीगल अबॉर्शंस क्या होता है कि कुछ आप जब जेस्टेशन पीरियड के बारे में आप लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है कि कितने पीरियड के बाद अबॉर्शन इलीगल हो जाता है, तो उस पीरियड के बाद आप इलीगल करते हैं, इसका मतलब ये मैं आपको रिलेट करवाता हूँ आप कैसे हो जाता है। सपोज दैट कि आपने एमनियोसेंटेसिस कराया। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि मदर के प्लेसेंटा में एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसके क्रोमोसोमल पैटर्न को स्टडी करके हम लोग ये बता सकते हैं कि वेदर द फीटस इज बॉय और अ गर्ल, फीटस लड़का है या फिर लड़की है, ये एमनियोसेंटेसिस फ्लूइड की मदद से हम लोग बता सकते हैं। और इससे अलावा कुछ टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब कुछ सिंड्रोम है, ये कुछ डिजीजेज होता है जो बच्चे में है कि नहीं है, ये एमनियोसेंटेसिस की मदद से हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत बैन है, मतलब ऐसा कोई अगर करता है तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाता है। वैसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इंडिया में खास करके क्या होता है, लोग समझते हैं कि लड़की पैदा होने से उनको लॉस है, दहेज देना पड़ेगा, और लड़का पैदा हुआ तो समझिए कि दहेज देना पड़ेगा, तो इस तरीके का बड़ा ख़राब और पुअर माइंड सेट बना हुआ है, तो ये इसीलिए इलीगल अबॉर्शन इसीलिए बैंड है।
जिससे रिलेटेड जिसका जो सर्कमस्टांस है जिसका बहुत भयानक कॉन्क्लूजन फीमेल फ्रीटिसाइड है। क्या होता है फीमेल फ्रीटिसाइड? ये होता है भ्रूण हत्या, यानी इम्ब्रियोनल स्टेज में जब मार दिया जाता है ये देखने के बाद कि अगला बंदा मेल है या फिर फीमेल, तो ये एक तरीके से फीमेल फ्रीटिसाइड कहलाता है। ये आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी बोर्ड्स में आ सकता है। इसके अलावा बात करते हैं अगला जो लास्ट हमारा प्रॉब्लम है वो STDs है। STDs क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि एड्स है, साइफिलिस है, गोनोरिया है, ये सब कुछ क्रोनिक कंडीशंस है जो लोगों को होता है। और किस तरीके से होता है इस पर तो हम लोग डीप में बात करेंगे, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मिथ है। यहाँ पे आप ये बात समझिए कि आपको ना रोग से बचना है, है ना, रोगी से नहीं बचना है, आपको रोग से घृणा करना है, रोगी से घृणा नहीं करना है। इसलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कैसे होता है इसका बहुत बेहतरीन तरीके से आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आगे मैं अच्छा ये जो लेक्चर होने वाला है ये पूरी तरीके से बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा ताकि आप इसको समझ सकें कि इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप आपका सबसे पहले जैसे इस लेक्चर को देखने के बाद आपका काम होगा कि NCERT का जो फर्स्ट और सेकंड पेज है आप उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ये था आपका प्रॉब्लम्स। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, क्लियर है चीज़। तो किस तरीके के कंट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करना है वो डिपेंड करता है चैप्टर में। आगे हम लोग देखेंगे कि वॉट इज़ द क्राइटेरिया टू चूज़ अ आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड, आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड को चूज़ करने का क्या क्या ऑप्शन होता है वो हम लोग आगे देखेंगे बेहतर। बहरहाल आगे बात करते हैं, आपके NCERT में एक ओरल पिल का डिस्कशन करता है। ओरल पिल्स होता क्या है? ओरल पिल्स ऐसे पिल्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है। तो ओरल पिल्स ज़्यादातर आप देखेंगे फीमेल के लिए आता है, तो मन में एक सवाल आता है कि क्या मेल के लिए कोई ओरल पिल नहीं होता है? तो क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि मेल के लिए कभी तक कोई ओरल पिल आया था या नहीं आया था? बात कर लेते हैं फीमेल पिल के बारे में जो आपके NCERT में दिया है, वो है सहेली। सहेली एक ऐसा ओरल पिल है जिसको वीकली दिया जाता है और ये क्या करता है, स्पर्म की मोर्टेलिटी को सप्रेस करके प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है। तो चलिए आप लोगों ने बता दिया क्या कमेंट करके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गौसीपाल नाम है उस मेल का, उस मेल पिल का जिसको चाइना ने लॉन्च किया था, लेकिन मेल समाज ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया था इसको, क्योंकि स्पर्म काउंट को कम कर देता है। और जब कोई एक्सटर्नल चीज़ आपके हार्मोन को आकर मिसबैलेंस करता है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और हो सकता है कि वो हार्मोन आपकी बॉडी में परमानेंटली नहीं निकले। जैसे कि आप पढ़ते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में आप देखते हैं कि जब टेस्टोस्टेरोन कोई जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह देता है जिम करने वाला सब, तो वो इंजेक्शन भर के टेस्टोस्टेरोन ले लेता है। तो होता क्या है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है? टेस्टिस से रिलीज होता है, और उसको रिलीज कौन करवाता है? मास्टर ग्लैंड जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो टेस्टोस्टेरोन जब बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाएगा तो टेस्टिस सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, है भैया आप कर क्या रहे हैं, इतना ज़्यादा काहे रिलीज कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन? तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता है कि तुम नीचे होकर हमको ऑर्डर देता है, जाओ हम टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं करेंगे। तो ये अपना थोड़ा इगोइस्टिक आदमी है। कौन इगोइस्टिक आदमी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड फिर टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने का बंद कर देगा। इसलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इस तरीके के चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो हार्मोन्स को इंटरप्रेट करने का काम करता है, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो बहुत ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है, और थोड़ा सा ट्रेस अमाउंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है थोड़ा सा इसका ड्रॉप्स, और हम लोग इंजेक्शन भर के ले लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बॉडी को नुकसान करता है। इसका पोस्ट कंक्लूजन ये निकल सकता है कि कभी ना हो सकता है वो हार्मोन कभी रिलीज ही ना हो। बात करते हैं अगला जो स्ट्रैटेजी है हमारा वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड। देखिए फीमेल लोग जब प्यूबर्टी को अटेंड कर लेती हैं तो अटेंड करने के बाद मेंस्ट्रुएशन का होना ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन बात है। तो इसके लिए क्या हाइजीन होना चाहिए? प्रॉपर सैनिटरी पैड्स का यूज़ करना, क्लोथ्स वगैरह इन्फेक्टेड चीज़ों का यूज़ ना करना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन का ख्याल रखना, क्योंकि वो 3-5 days का ब्लीडिंग फेज आता है जिसमें मेंसेस होता है, यानी कि कंटिन्यू 3-5 days ब्लीडिंग होता है। इसीलिए इसका हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए, होना भी ज़रूरी है। नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत है। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होने का दो कारण हो सकता है, एक तो लेडी या तो प्रेग्नेंट है, या फिर पुअर ग्रोथ है, या फिर माल न्यूट्रिशन की शिकार है वो। तो ये मेंस्ट्रुअल हाइजीन हमारा दूसरा स्ट्रैटेजी होगा। तीसरा है सेक्स एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा कॉमन करना, गवर्नमेंट्स के लिए, NGO के लिए, और स्कूल में भी ये बहुत सारी समस्या रह सकती है। क्या जो टीचर्स पहले से अवेलेबल है
वो आकर के सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को बताएंगे, या फिर बाहर से कुछ टीचर्स को मंगाना चाहिए और ऑडियो विजुअल तरीका प्रिंट मीडिया के थ्रू सेक्स एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा कॉमन किया जाना चाहिए। तो ये आज के अभी तक के वीडियो में आप लोगों ने डिस्कशन किया प्रॉब्लम्स के बारे में और स्ट्रैटेजी के बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी तो हम लोग बात कर चुके हैं और कुछ स्ट्रैटेजीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड पे खास करके मैरिजेबल एज को फिक्स कर देना चाहिए। जैसे गर्ल्स के केस में मैरिजेबल एज मिनिमम 18 साल है और बॉयज़ में 21 साल है। तो जितने ये एज के बाद जितना ज़्यादा शादी होगा तो वो क्या होगा कि एक हेल्दी फैमिली बनेगा, क्योंकि उस एज ग्रुप के बाद बच्चे थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं और फैमिली प्लानिंग थोड़ा उनको समझ आती है। अर्ली एज में वो क्या होता है कि फैमिली प्लानिंग का उतना समझ नहीं होता और सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड ज्ञान कम होने के कारण डिजीज होने का चांसेस ज़्यादा होता है, बच्चों के मरने का चांसेस ज़्यादा होता है। क्योंकि जैसे आप लोग 11th क्लास में बॉडी फ्लूइड में पढ़े हैं कि RH फैक्टर का एक ऐसा केस होता है जिसमें मदर अगर RH नेगेटिव है और बच्चा अगर RH पॉजिटिव है, तो उस केस में पहला बच्चा पैदा होने के बाद बाकी के बच्चे मरते रहते हैं तब तक जब तक उसको एंटीबॉडी माँ के बॉडी में बच्चे के अगेंस्ट बन रहा होता है, उसके अगेंस्ट में उसको एंटीबॉडी जब तक मदर को नहीं दिया जाए तब तक अगला बच्चा बचता नहीं है। तो ये सब थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए अर्ली एज में शादी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसका इल इफेक्ट पॉपुलेशन पे भी पड़ता है कि बहुत ज़्यादा फैमिली प्लानिंग का ज्ञान नहीं होने से पॉपुलेशन बढ़ता है, 2, 4, 5, 6 बच्चे, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे आपको संभालने में उसका इमोशनल उसका सोशल हर चीज़ को अच्छे से समझने में उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि 11 बच्चे पैदा कर दिए, बड़का छोटका को पाल लिया, छोटा उससे छोटा को पाल लिया, आपको पालना पड़ेगा। चलिए अब आगे के प्रॉब्लम को के बारे में बात करें। इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो ब्रेस्ट फीडिंग का है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ का जो ब्रेस्ट होता है वो डिफ्रेंशिएशन चला जाता है और उसमें मिल्क का डिफ्रेंशिएशन में चला जाता है। डिफ्रेंशिएशन होने के बाद एम्ब्रियो से मिल्क का प्रोडक्शन होता है और वह मिल्क का प्रोडक्शन जो फर्स्ट, अच्छा आप क्या बता सकते हैं कमेंट करके कि फर्स्ट मिल्क क्या होता है, मिल्क फर्स्ट मिल्क ऑफ द बेबी क्या होता है, फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर फॉर द बेबी क्या होता है, आप उसका नाम बता सकते हैं, मैं जब तक आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मदर का जो मिल्क होता है उसका उसमें काफ़ी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है उसके पास उतना ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं होता है कि वो बहुत सारे बीमारियों से लड़ सके, इसीलिए उसके में एंटीबॉडी जैसे IgA वगैरह डाला जाता है। मतलब ऑलरेडी मिल्क में जो है मदर के IgA होता है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बच्चे को और बहुत सारे बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। क्या आपने कमेंट करके बता दिया, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और समय देता हूँ। आगे बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करना चाहिए। एटलीस्ट 5 से 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए ताकि तब तक बच्चे का इम्यूनिटी पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाए। चलिए कमेंट कर दिया क्या आपने, नहीं किया तो मैं बता देता हूँ, कर दिया क्या, चलिए आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मिल्क ऑफ द मदर जो होता है वो क्लोस्ट्रम होता है जिसमें IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है जो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगला जो सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि हमें इक्वल ट्रीट करना चाहिए मेल को और फीमेल को। ऐसा नहीं सोच रहे कि हम अपने घर के बच्चों में, अगर आपके फैमिलीज वैसा होता है तो ऐसा ना करें, ये पाप है। मेल और फीमेल जो है इंडिविजुअली आज एक तो पहली बात कि मेल और फीमेल का कोई कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज दे आर दो, ये दोनों डिफरेंट मशीन्स है। जब भी कंपैरिजन होता है सेम चीज़ों में होता है, मेल का कंपैरिजन मेल के साथ करो, फीमेल का कंपैरिजन फीमेल के साथ करो। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि फीमेल को साबित करना पड़ता है कि वो मेल से बेहतर है, ये करने की ज़रूरत क्या, क्योंकि इसको बनाया गया दूसरे काम के लिए और मेल को बनाया गया दूसरे काम के लिए, तो कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता। इसलिए इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, सेक्स अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। यानी कि सेक्स अब्यूज़ होता क्या है कि जब छोटे एज में टीन एज में गलत इस्तेमाल होता है, सेक्स रिलेटेड जो भी क्राइम होता है, तो उसमें बच्चे छोटे बच्चों को गर्ल्स को बॉयज़ को बताना चाहिए कि क्या होता है गुड टच और क्या होता है बैड टच। तो अभी तक का जो सेक्शन हम लोग देखे हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या अभी तक देखें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हेल्थ क्या होता है, हेल्थ का डेफिनेशन देखें, हम लोग प्रॉब्लम्स देखें, स्ट्रैटेजीज देखें, एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजीज वगैरह देखे हैं, सहेली के बारे में जाने। अच्छा सहेली के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, आपके NCERT में सहेली का डिस्कशन करता है। सहेली क्या है, तो सहेली एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल है जिसका यूज़ किया जाता है फीमेल के द्वारा, और ये क्या करता है स्पर्म के मोटिलिटी को सप्रेस करके स्पर्म को रोकने का काम करता है। तो सवाल यहाँ पे आता है कि क्या फीमेल के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है क्या मेल के लिए नहीं आता है? क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मेल के लिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है? मेल के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल
होता है जिसको चाइना ने रिलीज किया था, जिसका नाम था गॉसीपाल। लेकिन हमारे मेरे समाज ने इसको शायद मैं बता चुका हूँ, गॉसीपाल नाम है वो उस ओरल पिल का जो मेल के स्पर्म काउंट को कम कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग चैप्टर में देखे हैं। ये एक तरीके से हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे के लेक्चर्स में हम लोग वैसेक्टॉमी के बारे में, प्रॉब्लम्स पॉपुलेशन के बारे में, डेमोग्राफी के बारे में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। और आप लोग इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक फैलाएंगे, क्योंकि ताकि प्रोफेशनल लेवल पे मैं और ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ। आज पहला दिन था तो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि गैजेट्स की थोड़ी कमी है, लॉकडाउन लगा हुआ है तो थोड़ा सा परेशानी हो रहा है। कोशिश करते हैं कि आपके लिए पूरे एनर्जी के साथ अगले वीडियो में आएंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय।